Man is curious by nature and he wants to know more and more about self and surroundings. And for this, he asks questions and tries to find out the answers. The process of posing questions, problems or scenarios and searching for solutions is called as learning based on inquiry. तो ये एक ऐसा तरीका है जिसमें लर्नर अपने आसपास होने वाली चीजों को ऑब्जर्व करके उसके बारे में प्रश्न पूछता है और उन प्रश्नों के उत्तर जानने के प्रोसेस में वो नई जानकारी को हासिल करता है। इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग काफी पुराना तरीका है क्योंकि जो सोक्रेटेरियन मेथड है ये भी सेल्फ लर्निंग के ऊपर बेस्ड है जिसमें अध्यापक बहुत सारे क्वेश्चंस पूछता है जिसके द्वारा वो लर्नर को मोटिवेटेड रखता है ताकि लर्नर उन प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करे। हालांकि साइंटिफिक इंक्वायरी मॉडल को ज़्यादा बल मिला 1960s में और इस समय पे डिस्कवरी लर्निंग मूवमेंट शुरू हुआ जिसमें एक्सपीरियंशियल लर्निंग के ऊपर बहुत बल दिया गया। एक्सपीरियंशियल लर्निंग यानी अपने एक्सपीरियंस से सीखना या उस एबिलिटी से सीखना जिससे लर्नर अपने आसपास की चीज़ों को सीन्स को प्रॉब्लम्स को सोशल एक्सपीरियंस के द्वारा सीखता है। इसी को कंस्ट्रक्टिविज्म कहा जाता है। कंस्ट्रक्टिविज्म के मेन प्रोपोनेंट है डीवी प्याजे वाइगोस्की और फ्रेरी। तो इन लोगों के वर्क के कारण भी साइंटिफिक इंक्वायरी को काफ़ी बल मिला। इन सब ने इस चीज़ के ऊपर ध्यान दिया कि विद्यार्थी सामाजिक अनुभव के द्वारा अपने परिदृश्यों की जांच करके जानकारी को हासिल करें, ना कि ये कि अध्यापक ही सारे प्रश्नों के उत्तर दे दे। तो ये इतना आसान तरीका नहीं है। आम ट्रेडिशनल लर्निंग में क्या है, विद्यार्थी प्रश्न पूछता है और अध्यापक उसको बने बनाए उत्तर दे देता है। श्वाब का जो लर्निंग मॉडल है यानी जोसेफ श्वाब का साइंटिफिक इंक्वायरी लर्निंग मॉडल, ये बेस्ड है कि हम विद्यार्थियों को कैसे सिखा सकते हैं ताकि वो अपनी जानकारी को ऑर्गेनाइज कर सके और अपने बनाए हुए जो हाइपोथेसिस हैं उनको टेस्ट कर सके, डाटा में रिलेशनशिप्स फाइंड कर सके। यानी इसी तरीके को साइंटिफिक लर्निंग कहा जाता है। आज हम पढ़ने वाले हैं इस मॉडल में कॉमनली यूज होने वाले कॉन्सेप्ट और इम्पॉर्टेंट टर्म्स के बारे में ताकि हम इस मॉडल को आगे चल के बेहतर तरीके से समझ पाएं। इसमें कॉमन प्लेसेस की बात होती है, लेवल्स फॉर्मेट्स एंड स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक इंक्वायरी की बात होती है और आगे चल के हम ये भी जानेंगे कि ये ट्रेडिशनल लर्निंग से या ट्रेडिशनल टीचिंग से किस तरह से डिफरेंट है। सबसे पहले जानकारी लेते हैं जोसेफ श्वाब के बारे में, जिनका टाइम पीरियड 1909 से 1988 है। ये एमएस इन जूलॉजी थे, डॉक्टरेट इन जेनेटिक्स किया था इन्होंने और ये एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ एजुकेशन एंड नेचुरल साइंसेस के लिए पोस्ट पे वर्क करते थे इन यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में। तो इनका जो ज़्यादातर जो काम था वो रिलेटेड था लिबरल एजुकेशन के ऊपर। इन्होंने क्लासरूम डिस्कशन मेथड के ऊपर बहुत काम किया जिससे साइंस टीचिंग को रीडिफाइन किया जाने लगा। तो इनको ह्यूमैनिटीज और नेचुरल साइंस दोनों के बारे में अच्छी जानकारी थी। इन्होंने एक पेपर पब्लिश किया और इस पेपर में उन्होंने कॉमन प्लेसेस वर्ड के बारे में डिफाइन किया और इन्होंने जो कॉमन प्लेसेस हैं उनको इस तरह से डिफाइन किया कि ये क्या है, ये फंडामेंटल एलिमेंट्स ऑफ एजुकेशन है जो कि जो अध्यापक करिकुलम डेवलपमेंट करते हैं उनको गाइड करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। बेसिकली जो श्वाब का वर्क था दैट वाज इन थ्री डिफरेंट डायरेक्शंस। वन इज टू रिकंसेप्चुलाइज और रीडिफाइन द टीचिंग ऑफ साइंस, यानी टीचिंग ऑफ साइंस को उन्होंने बेहतर बनाने के लिए वर्क किया और लिबरल एजुकेशन के ऊपर वर्क किया और इन्होंने ज्यूइश एजुकेशन के फील्ड में भी काफ़ी वर्क किया। जोसेफ श्वाब ने जो पेपर पब्लिश किया उसका नाम था द प्रैक्टिकल और इसमें इन्होंने चार कॉमन प्लेसेस के बारे में डिफाइन किया। अब नॉर्मली जब हम डिक्शनरी में कॉमन प्लेसेस वर्ड का मीनिंग ढूंढते हैं तो इसका मतलब होता है जो चीज़ बहुत आम है, यानी डल है, आम अनइंटरेस्टिंग सी चीज़ को हम कॉमन प्लेस बोलते हैं। लेकिन इस मॉडल में जो कॉमन प्लेसेस हैं वहाँ पर इसका मतलब है सब्जेक्ट मैटर, लर्नर, टीचर और मेल्यू से। तो
तो ये चार कॉमन प्लेसेस डिफाइन करी उन्होंने कि जब कोई भी अध्यापक ये डिसाइड करता है कि करिकुलम क्या बनाया जाए, किस तरह से सीखा जाए, क्या पढ़ाया जाए और किस तरीके से पढ़ाया जाए ताकि लर्नर बेहतर तरीके से अपनी कैपेसिटीज़ को डेवलप कर सके, तो उसमें ये चार चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। यानी सब्जेक्ट मैटर, सब्जेक्ट मैटर क्या होता है, सब्जेक्ट मैटर इज रिलेटेड टू द वट एवर द कंटेंट इज, जो भी डिसिप्लिन आप पढ़ा रहे हैं उसमें करिकुलम मटीरियल क्या है और उस सिस्टम का थॉट प्रोसेस क्या है, दैट इज कॉल्ड द सब्जेक्ट मैटर। दूसरी चीज जो इम्पोर्टेंट है, दैट इज नॉलेज ऑफ लर्नर, क्योंकि लर्नर की प्रीवियस कैपेबिलिटीज क्या हैं, उसकी डेवलपमेंटल एबिलिटीज क्या हैं, उसकी यूनिक क्वालिटीज क्या हैं, इसके बारे में भी अध्यापक को फेमिलियर होने की जरूरत है। टीचर को अपनी कैपेबिलिटीज के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। और जो चौथी चीज इम्पोर्टेंट है, दैट इज मेल्यू और द इन्वायरमेंट, क्योंकि ये जो सब चीज़ें हैं इनके ऊपर इन्वायरमेंट का इन्फ्लुएंस जाता है। इन्वायरमेंट फैमिली का भी हो सकता है, कम्युनिटी का भी हो सकता है, सोसाइटी का भी हो सकता है। तो ऐसा माना गया कि ये जो सारे जो कंपोनेंट्स हैं ये एजुकेशन को इम्पैक्ट करते हैं, सब्जेक्ट मैटर, लर्नर और टीचर। और क्योंकि ये सब जो एजुकेशन का काम है किसी इन्वायरमेंट में हो रहा है, तो उसके अनुसार इन्वायरमेंट टीचिंग प्रोसेस को इम्पैक्ट करता है और इन्वायरमेंट के ऊपर भी टीचिंग प्रोसेस का इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये चार कॉमन प्लेसेस उन्होंने डिफाइन करी। आगे जान लेते हैं एक बहुत ही कॉमन टर्म, साइंस, साइंटिस्ट और एक्सपेरिमेंट्स के बारे में। आम तौर पे आप किसी से भी पूछेंगे साइंस क्या है, तो वो कहेगा साइंस मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इस तरह के सब्जेक्ट। आमतौर पर पोलिटिकल साइंस, कंप्यूटर साइंस ये सब्जेक्ट छूट जाते हैं, लेकिन ये भी एक साइंटिफिक या साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं। सो व्हाट इज साइंस? साइंस इज सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ फिजिकल एंड नेचुरल वर्ल्ड बाय ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। सो व्हाट इज साइंस? साइंस मींस जब आप किसी चीज को सिस्टमैटिकली स्टडी करते हैं और उस सब्जेक्ट के स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं और किस तरह से हमारा जो फिजिकल इन्वायरमेंट बना है या नेचुरल इन्वायरमेंट बना है उसको ऑब्जर्व करते हैं और एक्सपेरिमेंटेशन के द्वारा सीखते हैं, दैट इज कॉल्ड एज साइंस। सो बेसिकली स्टडी ऑफ साइंस इज बेस्ड ऑन रिसर्च ऑफ प्रीवियस नॉलेज एंड एक्सपेरिमेंटेशन बाय साइंटिफिक मेथड, दैट मीन्स डूइंग न्यू एक्सपेरिमेंट विच आर सेटअप इन ए सिस्टमैटिक वे। तो कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी डिसिप्लिन हो सकता है जिसको सिस्टमैटिक स्टडी में ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन के द्वारा सीखा जाए, दैट विल बी कॉल्ड एज साइंस। जॉन डीवी ने साइंस को डिफाइन किया है दैट साइंस शुड बी टॉट एज ए प्रोसेस एंड वे ऑफ थिंकिंग, नॉट एज ए सब्जेक्ट विद फैक्ट्स टू बी मेमोराइज्ड। यानी जॉन डीवी के अनुसार साइंस को कैसे पढ़ाया जाना चाहिए, इट शुड बी टॉट एज ए प्रोसेस एंड वे ऑफ थिंकिंग। ये नहीं कि सिर्फ कुछ फैक्ट्स बता दिए, कुछ फिगर्स बता दी, कुछ रूल्स बता दिया और उनको रट लिया। साइंस का मतलब है एक ऐसा तरीका जिससे वे ऑफ थिंकिंग को डेवलप किया जा सके। जोसेफ श्वाब ने साइंस के दो कंपोनेंट्स को डिफाइन किया है। 1960s में साइंस की ये रीफ्रेमिंग के ऊपर या साइंस टीचिंग के रीफ्रेमिंग के ऊपर बहुत वर्क हुआ। गेने और श्वाब ने ये प्रपोज किया कि टीचिंग ऑफ साइंस शुड बी पैरेलल टू हाउ साइंस ऑपरेट्स, यानी साइंस किस तरह से वर्क करता है उसी के अनुसार साइंस का टीचिंग होना चाहिए। तो इसमें उन्होंने साइंटिफिक लैबोरेटरीज के ऊपर बहुत बल दिया ताकि जो लर्नर है वो इंक्वायरी मेथड के द्वारा साइंस टीचिंग की मेथडोलॉजीज को सीख सके। जोसेफ श्वाब ने बहुत सारा वर्क किया साइंस एजुकेशन के ऊपर। तो इन्होंने डिफाइन किया कि जो साइंस है ये फ्लेक्सिबल और मल्टी डायरेक्शनल इंक्वायरी ड्रिवन प्रोसेस है जिससे लर्नर को लर्निंग के लिए मोटिवेट किया जाता है। तो इनके अनुसार साइंस के दो पार्ट्स हैं, एक है सब्टेंटिव स्ट्रक्चर ऑफ साइंस, दूसरा है सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर ऑफ साइंस। सब्टेंटिव स्ट्रक्चर ऑफ साइंस क्या है, यानी जो साइंस का सब्सटेंस बनाता है यानी कंटेंट बनाता है,
which is basically conceptual scheme, basic knowledge which is used in science. तो वो सब बेसिक नॉलेज जो हम साइंस के सब्जेक्ट्स में यूज करते हैं या किसी भी सब्जेक्ट में यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द कंसेप्चुअल स्कीम. सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर क्या है? सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर मींस एंड प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग एंड वेरीफाइंग साइंटिफिक नॉलेज, दैट इज साइंटिफिक इंक्वायरी. तो सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर मतलब वो तरीके जिससे नॉलेज को गेन किया जाता है या वेरीफाई किया जाता है, और इसी को साइंटिफिक इंक्वायरी कहा जाता है. यानी साइंस के दो कंपोनेंट्स हैं, एक है साइंस का कंटेंट और दूसरा है जिस तरीके से साइंस को सीखा जाता है, दैट इज कॉल्ड एज साइंटिफिक इंक्वायरी. सिमिलरली अब जो साइंस पढ़ते हैं या जो साइंस पे वर्क करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज साइंटिस्ट. नेशनल साइंस ऑफ एजुकेशन स्टैंडर्ड्स ने साइंटिस्ट को डिफाइन किया है. तो साइंटिस्ट कौन है? साइंटिस्ट इज ए पर्सन हु आस्क क्वेश्चंस, यानी वो बहुत सारे सवाल पूछता है. कहाँ पर से क्वेश्चंस आते हैं? क्वेश्चंस आते हैं ऑब्जर्वेशन से, जो हमने अपने आसपास देखते हैं, जिसको हम समझ नहीं पाते, जिसके बारे में हम जानकारी लेना चाहते हैं, उसके ऊपर क्वेश्चंस पूछना साइंटिस्ट का काम है. एंड कंस्ट्रक्ट लॉजिकल एक्सप्लेनेशन टू डिस्क्राइब ऑब्जेक्ट एंड इवेंट. तो जो भी हम अपने आसपास देखते हैं उसको एक्सप्लेन करना, और ऐसा एक्सप्लेन करना जो कि लॉजिक पर बेस्ड है, दैट इज द वर्क ऑफ साइंटिस्ट. ही टेस्ट एक्सप्लेनेशन क्रिटिकली विद थ्योरी ऑफ नॉलेज. और ये जो लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है वो किसके ऊपर बेस्ड होता है? वो बेस्ड होता है जो हमारे पास प्रीवियस नॉलेज अवेलेबल है. तो जो थ्योरीज ऑफ नॉलेज हमारे पास हैं उनके बेसिस पे जब हम कई नई ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन करते हैं, दैट इज द वर्क ऑफ साइंटिस्ट. एंड साइंटिस्ट दे कम्युनिकेट देयर फाइंडिंग टू अदर. तो साइंटिस्ट क्या करते हैं? वो जो भी ज्ञान हासिल करते हैं उसको सिर्फ अपने पास नहीं रखते, उसको दूसरों के साथ शेयर करते हैं ताकि दूसरे उसको क्रिटिसाइज कर सकें और अल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशंस दे सकें, जिससे साइंस को बेहतर बनाने का, यानी ज्ञान को दूसरों के सम्मुख रखा जाए ताकि दूसरे भी अपनी ज्ञान के अनुसार, अपनी समझ के अनुसार क्रिटिसाइज करें और अल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशंस प्रोवाइड करें. और इस तरीके को कहा जाता है साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट. साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट यानी एक ऐसी पर्पजफुल एक्टिविटी, मतलब ऐसे ही कुछ भी करना, कोई भी एक्टिविटी करना इज नॉट साइंटिफिक एक्टिविटी. साइंटिफिक एक्टिविटी हमेशा किसी पर्पज के ऊपर बेस्ड है. मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एवरी एक्सपेरिमेंट इज दैट इट हैज सम पर्पज which is based on only one variable at a time. तो किसी भी एक्टिविटी में कई सारे फैक्टर्स हो सकते हैं जिनको बदलने से एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट बदल सकते हैं, लेकिन साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट में हम क्या करते हैं? हम एक समय पे केवल एक वेरिएबल को मॉड्यूलेट करते हैं ताकि हम उस वेरिएबल के कारण हमारे रिजल्ट में क्या चेंज आता है उसको ऑब्जर्व कर सकें. और ड्यूरिंग दिस वी ऑब्जर्व एंड कलेक्ट द डाटा इन कंपैरिजन टू स्टैंडर्ड. तो जो भी डाटा हम किसी एक्सपेरिमेंट में ऑब्जर्व करके उसका जो जानकारी को इकट्ठा करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज कलेक्शन ऑफ डाटा. और कलेक्शन ऑफ डाटा हम करते क्यों हैं? इसलिए करते हैं ताकि हम उस डाटा को किसी स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर कर सकें, दैट इज कॉल्ड एज कंपेरिजन टू स्टैंडर्ड. यानी किसी विशेष एक्टिविटी को जिसका कोई पर्पज है उस एक्टिविटी को कंडक्ट करना, जिसमें किसी एक वेरिएबल को चेंज करके ऑब्जर्व करना कि क्या चेंज आ रहा है, और उसके अनुसार डाटा को इकट्ठा करना ताकि हम उस डाटा को किसी स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करके कुछ इन्फ्रेंस निकाल सकें या रिजल्ट निकाल सकें, जिसमें हम कोशिश करते हैं कि वेरिएबल्स का आपस में क्या रिलेशनशिप है इसको डिफाइन किया जा सके. साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, दैट इज रेपिटेशन ऑफ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट, जिसको हम बोलते हैं आइटरेशन. आइटरेशन मतलब एक ही साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट को बार बार करके देखना. ऐसा हम इसलिए करते हैं ताकि जिस वेरिएबल को हम स्टडी कर रहे हैं उसका हम अपने रिजल्ट में इस वेरिएबल का क्या इम्पैक्ट आ रहा है उसको यकीनी बना सकें, पक्का बना सकें और अपनी गलतियों को मिनिमाइज कर सकें. क्योंकि साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट का रेप्लिकेटिव होना जरूरी है, यानी उस एक्सपेरिमेंट को कहीं पर भी कोई भी करके देखे तो सेम रिजल्ट आए. इसी के लिए एक्सपेरिमेंट को बार बार करके देखा जाना जरूरी है.
साइंस टीचिंग में ये कुछ टर्म्स बहुत कॉमनली यूज होती हैं, साइंटिफिक मेथड, साइंटिफिक प्रोसेस, साइंटिफिक मॉडल और साइंटिफिक इंक्वायरी। साइंटिफिक मेथड, साइंटिफिक मेथड में जो मेथड वर्ड है इसका मतलब होता है तरीका। तो साइंस को सीखने का जो तरीका है दैट इज कॉल्ड अ साइंटिफिक मेथड। बेसिकली मेथड आर ओवरव्यूज, किसी भी चीज का आप बिल्कुल ही सिंप्लीफाइड ओवरव्यू दे दें दैट इज कॉल्ड अ साइंटिफिक मेथड। जैसे कुकिंग में मेथड्स क्या होते हैं, बॉयलिंग मेथड है, रोस्टिंग मेथड है, या आप किसी चीज़ को फ्राई कर सकते हैं, दीज आर ऑल कुकिंग मेथड्स। लेकिन असल में आप उस मेथड को किस तरह से यूज करते हैं, उसमें कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, देन इट बिकम्स ए प्रोसेस। तो इसी तरह साइंटिफिक मेथड और साइंटिफिक मेथड मतलब ओवरव्यू, और इस मेथड में कई सारे स्टेप्स होते हैं जो कि डिफाइन करते हैं इसके प्रोसेस को। जैसे यहाँ पे अगर हम ले लें बॉयलिंग जो है ये एक मेथड है, तो बॉयलिंग में क्या हमने आपने सीधा बता दिया कि बॉयल कर लो। लेकिन अगर आप बताएं कि बॉयलिंग में आप पहले क्या करेंगे, बर्तन लेंगे, उसमें पानी लेंगे, कितना पानी लेंगे, उसको गर्म करेंगे, कितनी देर तक गर्म करेंगे, तो दैट विल बी कॉल्ड एज प्रोसेस। प्रोसेस स्टेप वाइज होते हैं और मेथड ओवरव्यू होते हैं। साइंटिफिक प्रोसेस में सबसे पहला प्रोसेस का स्टेप आ जाता है कि आप ऑब्जर्व करते हैं, फिर आप उसका एक्सप्लेनेशन बनाने की कोशिश करते हैं, यानी हाइपोथेसिस बनाते हैं, फिर एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं, डाटा कलेक्शन करते हैं, एनालाइज करते हैं डाटा को। तो ये सारे क्या हैं, ये साइंटिफिक प्रोसेस के स्टेप्स हैं। अगली जो इम्पोर्टेंट टर्म आ जाती है वो है साइंटिफिक मॉडल। साइंटिफिक मॉडल यानी जब हम किसी कोई कॉम्प्लेक्स रियलिटी को या किसी कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट को एक सिंप्लीफाइड तरीके में दिखाने की कोशिश करें दैट विल बी कॉल्ड एज ए मॉडल। जैसे बहुत कॉमनली हम वर्ड यूज़ करते हैं प्लैनेटरी मॉडल। प्लैनेटरी मॉडल मतलब प्लैनेटरी सिस्टम को, अब उसमें कई सारे प्लैनेट्स हैं, उनका अलग अलग मूवमेंट है, वो अलग अलग तरह से एक दूसरे को कई तरह की मूवमेंट के द्वारा इम्पैक्ट करते हैं। तो इस सारे कॉम्प्लेक्स सिस्टम को जब आप एक आसान से दिखने वाले, आसानी से समझ में आने वाले तरीके के द्वारा एक्सप्लेन करते हैं दैट बिकम्स ए मॉडल। तो मॉडल्स क्या होते हैं या साइंटिफिक मॉडल क्या होते हैं, ये सिंप्लीफाइड अब्स्ट्रैक्ट व्यू ऑफ कॉम्प्लेक्स रियलिटी है। रियलिटी बहुत कॉम्प्लेक्स है, लेकिन उस रियलिटी की कॉम्प्लेक्सिटी को कम करके उसको एक सिंप्लीफाइड तरीके में बताना दैट इज कॉल्ड एज ए मॉडल। तो साइंस में जो मॉडल आते हैं, कई तरह के मॉडल आ जाते हैं, जैसे फिजिकल मॉडल आ जाते हैं, मैथमेटिकल मॉडल्स आ जाते हैं, कंसेप्चुअल मॉडल्स आ जाते हैं। तो इसके द्वारा हम अलग अलग मॉडल्स के द्वारा साइंटिफिक तरीकों को एक्सप्लेन कर पाते हैं। नेक्स्ट है साइंटिफिक इंक्वायरी। साइंटिफिक इंक्वायरी इज द प्रोसेस of asking about or investigating something in order to find out more about it. यानी साइंटिफिक इंक्वायरी क्या है, ये एक तरीका है, एक प्रोसेस है जिसमें हम बहुत सारे सवाल पूछते हैं, asking questions, ताकि हम जो भी हमारे पास जानकारी है उसके बारे में कुछ और जानकारी प्राप्त कर सकें। तो साइंटिफिक इंक्वायरी ये एक ऐसा तरीका है जो इसमें बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं ताकि हम और ज़्यादा जानकारी इकट्ठा कर सकें। तो सभी साइंटिफिक इंक्वायरीज शुरू होती हैं क्वेश्चनिंग से, यानी पहले सवाल पूछा जाता है, फिर उस सवाल के लिए डाटा कलेक्ट किया जाता है, उस डाटा को एनालाइज किया जाता है ताकि हम किसी नतीजे या इंटरप्रिटेशन पर पहुंच सकें। और ये जो साइंटिफिक इंक्वायरी है इसमें क्वेश्चन किसी भी समय पर पूछा जा सकता है, यानी क्वेश्चन हो सकता है हमारी ऑब्जर्वेशन से रिलेटेड हो, जो चीज़ हम अपने आसपास देखते हैं उसके बारे में सवाल पूछा जा सकता है, या एक्सपेरिमेंट के दौरान पूछा जा सकता है कि एक्सपेरिमेंट में हम कोई चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हम उसको क्यों उस तरह से ऑब्जर्व कर रहे हैं उसके बारे में हो सकता है, और क्वेश्चन इन्फ्रेंस या रिजल्ट के बारे में भी पूछा जा सकता है। आमतौर पर जो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन है इसको तीन तरीके से डिफाइन किया जाता है, यानी डिस्क्रिप्टिव, कंपैरेटिव और एक्सपेरिमेंटल। डिस्क्रिप्टिव मतलब जब हम किसी चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं, उसके करैक्टरिस्टिक को डिफाइन करते हैं, उसके रिलेशनशिप्स को डिफाइन करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज डिस्क्रिप्टिव इंक्वायरी। आमतौर पर सोशल साइंसेस के सब्जेक्ट्स में डिस्क्रिप्टिव इंक्वायरी इज यूज्ड। सेकेंड इज कंपैरेटिव, जिसमें हम सिमिलरिटीज और डिफरेंसेज फाइंड आउट करते हैं।
एंड थर्ड इज एक्सपेरिमेंटल, जो कि आमतौर पर जो स्ट्रक्चर्ड साइंसेज है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इस तरह की जो साइंसेज हैं उसमें हम किसी अनजानी चीज को जानने की कोशिश करते हैं, दैट मीन्स नोइंग द अननोन, दैट इज बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स। इंक्वायरी इज क्रिएशन ऑफ ए क्लासरूम वेयर स्टूडेंट आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चन एंड इन्वॉल्व इन हैंड ऑन एक्टिविटीज। तो दो साइंटिफिक इंक्वायरी के दो बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि ये इंक्वायरी क्लासरूम क्या होगा, कौन सी कक्षा है जिसको आप इंक्वायरी क्लासरूम बोलेंगे, जिसमें विद्यार्थी ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ओपन एंडेड मतलब जिसमें कोई पता नहीं है कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, पक्के तौर पे प्रश्न पूछने के समय इस चीज़ को यकीनी तौर पे नहीं बताया गया है कि इसका उत्तर ये होगा। विद्यार्थी प्रश्न पूछने के द्वारा ज़्यादा जानकारी लेने की कोशिश करें एंड इन्वॉल्व इन हैंड ऑन एक्टिविटीज, और इसमें खुद करके देखें, यानी एक्सपीरियंशियल लर्निंग हो, दैट इज कॉल्ड एज द साइंटिफिक इंक्वायरी। तो साइंटिफिक इंक्वायरी ये रेफर करता है उन सभी डाइवर्स वेज को जिसमें साइंटिस्ट नेचुरल वर्ल्ड को स्टडी करते हैं, एक्सप्लेनेशंस देते हैं, एविडेंस ड्राइव करते हैं, जिससे हम नई जानकारी बना पाते हैं।